हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उदेश गुप्ता फ्रॉम सारथी ग्रुप्स द परफेक्ट होम फाइंडर। दोस्तों, नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आपके लिए राज अक्षय नाम से, एंड राज रियलिटी का ये प्रोजेक्ट है। 1 और 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, सैम्पल फ्लैट देखने को मिलेगा, एंड 21 स्टोरेज का टावर है, 2 बिल्डिंग का सेट है। मीरा रोड लोकेशन पर ये फ्लैट अवेलेबल है। अगर आप 1 और 2 BHK के फ्लैट ढूंढ रहे हैं मीरा रोड लोकेशन पर और एक सिंपल स्वीट सोसाइटी के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। कनेक्टिविटी की बात करूं दोस्तों, तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आपको 2 से 3 मिनट का डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलता है ये प्रोजेक्ट, एंड मेट्रो स्टेशन से 4 मिनट के डिस्टेंस पर और रेलवे स्टेशन से 7 मिनट के डिस्टेंस पर। स्कूल कॉलेजेस आपको नियर बाय में देखने को मिलेंगे। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको सारे स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स, ये सारी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट आ जाता है। दोस्तों, जब बात करते हैं सैम्पल फ्लैट की, तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। ये आपका सैम्पल फ्लैट है, इसमें आपको ब्रास फिटिंग की डोर मिल जाती है एंड वुडन वर्क बड़ा ही शानदार मिल जाता है। राज रियलिटी के कोई भी प्रोजेक्ट पर चले जाइए, आपको वुडन वर्क और टाइलिंग वर्क डिज़ाइनर मिल जाएंगे और अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड मिल जाएंगे। ये आपका लिविंग रूम हो जाता है दोस्तों। लिविंग रूम एल शेप में डिज़ाइन किया गया है एंड एल शेप में होने की वजह से ये काफ़ी स्पेशियस हो जाता है। इसमें किस तरह से सेक्शन बनाए गए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, और इसमें कौन कौन से रूम्स आपको कनेक्ट करते हैं, कौन कौन से रूम आपको मिल जाते हैं और किस तरह से मिलते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। 3 सेक्शन में आपका लिविंग रूम डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। 4 सीटर तक का डाइनिंग टेबल आप अपने डाइनिंग एरिया के में प्लान कर सकते हैं, 4 to 6 सीटर। इवन इसे आप वर्टिकली डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपका पैसेज एरिया, और ये आपका सिटिंग एरिया हो जाता है। सिटिंग एरिया में आप अपना एल शेप में सोफ़ा प्लान कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से प्लान किया उस तरह से प्लान कर सकते हैं। डिफरेंट वेज में आप प्लान करेंगे तो भी आपका जो रूम है, लिविंग रूम, वो स्पेशियस बना रहता है। इवन मूविंग स्पेस आपकी अफेक्ट नहीं होती है चीज़ें भरने के बाद भी। ये जो फ्लैट है, डेकोरेशन वाइज आपको भरा भरा लगेगा, बट हम जब एक्चुअल में रहते हैं तो कुछ अलग तरीके का डेकोरेशन करते हैं, सिंपल स्वीट रखते हैं। सो इतना हम लोग ग्लॉसी डेकोरेशन नहीं करते। ये आपका बालकनी हो जाता है। बालकनी ऐसी आपको सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर देखने को मिलेगी, बाकी के अदर फ्लोर्स पे आपको 4 फीट या फिर 3.5 फीट तक की बालकनी देखने को मिलेगी। इस फ्लैट में जब आगे जाते हैं पैसेज एरिया में, तो पैसेज एरिया के यहाँ से आपका कुछ ऐसा लुक आता है लिविंग रूम का, एंड राइट हैंड साइड में आपको आपका किचन देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब आप अपने किचन में एंटर करते हैं तो आपको 2 ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म, एक स्टेनलेस स्टील सिंक और जो नल की फिटिंग मिल जाती है वो सारी ब्रांडेड क्वालिटी की मिल जाएंगी। एंड उसके अलावा आपको फ्रिज के लिए स्पेस मिल जाती है एक्स्ट्रा, एंड सामने आपको बालकनी देखने को मिलेगी 3.5 फीट की, जिसे आप यूटिलिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके वॉशिंग मशीन रखने के हिसाब से। एंड अच्छी खासी स्पेस है, एंड किचन आप देखेंगे बहुत स्पेशियस आपको नज़र आएगा। इन सब के अलावा आप प्लेटफॉर्म के नीचे जो कैबिनेट्स देख रहे हैं, ये कैबिनेट्स आपको राज रियलिटी के थ्रू मिल जाते हैं। सेमी मॉड्यूलर किचन आपका डिज़ाइन करके मिलता है आपको, और इवन टाइलिंग वर्क आप देख सकते हैं दीवारों पर, ये टाइलिंग वर्क आपको राज रियलिटी करके देते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डिज़ाइनर टाइलिंग वर्क आपको मिल जाता है पूरे फ्लैट में। आपके पैसेज एरिया में सेकंड चीज़ जो आती है वो आता है आपका बाथरूम एंड टॉयलेट। ये आपका कॉमन बाथरूम एंड टॉयलेट हो जाता है, जिसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, शावर सेक्शन, कमोड सेक्शन एंड वॉश बेसिन। एंड एज यूजल टाइलिंग वर्क आपको यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और डिज़ाइनर वर्क मिल जाता है एज यूजल। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कॉमन बेडरूम। यहाँ पर आपका एक क्वीन साइज बेड के लिए आपको जगह मिल जाती है। इवन आप किंग साइज भी लगाते हैं तो भी आपको स्पेस का कोई कमी महसूस नहीं होगा। एंड यहाँ पर भी आपको बालकनी मिल जाएगी 3.5 फीट की। कबर्ड के लिए अलग से स्पेस मिल जाएगी 2.5 फीट की। सो देयर इज मच स्पेस, स्पेशियस फ्लैट है। दिस वॉज योर कॉमन बेडरूम। लेट्स चेक आउट योर मास्टर बेडरूम। वेन वी मूव फॉरवर्ड इन योर पैसेज एरिया, वी सी अ मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपको किस तरह से डिज़ाइन किया गया देखिए, आपका किंग साइज बेड आ जाता है यहाँ पर, एंड इवन मूविंग स्पेस यहाँ पर बढ़ जाती है। कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम में डिफरेंस 2 चीज़ों का आता है। एक, इसमें आपको मास्टर बाथरूम देखने को मिलेगा, और इसमें आपको जो साइज़ मिलेगा रूम का वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर कबर्ड की स्पेस आपके अंदर चली जाती है, तो मतलब आपको अलग से कबर्ड स्पेस मिल जाती है। बाथरूम एंड टॉयलेट में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइलिंग वर्क देखने को मिलेगा, आपके कॉमन बेडरूम से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट क्वालिटी वाइज आपको सैनिटरी वेयर, फिटिंग, फिक्सचर्स, ये सारे आपको ब्रांडेड क्वालिटी के मिल जाते हैं। उसके अलावा जब आप अपने मास्टर बेडरूम के बालकनी में आते हैं तो कुछ इस तरह की बालकनी आपको देखने को मिलती है, बट ये डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। 3.5 फीट के आपको डिफरेंट फ्लोर्स पे देखने को मिलेंगे।
So this was your 2 BHK flat of Raj Akshay. I hope you liked this video. And सबसे important चीज़ इस video की जो है वो है pricing दोस्तों. अगर राज अक्षय की बात करें दोस्तों, तो राज अक्षय में आपको सभी तरह की एमिनिटीज़ देखने को मिलती है. क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, गार्डन, वॉकिंग ट्रैक, 35 प्लस एमिनिटीज़ आप इसमें देखेंगे. एंड उसके अलावा बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, तो 2 BHK के फ्लैट का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 613 एंड 608 के ऑप्शंस मिलते हैं आपको. प्राइसिंग की बात करूँ दोस्तों, तो इसका प्राइस जाता है अप्रॉक्स 98 लाख के आसपास. एंड अगर आप एग्जैक्ट प्राइस जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन को लेकर के अटक रहा है आपका डील, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. इवन आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.